जिला कांग्रेस सोलन के प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोलन के छुटभैये नेता अपनी मर्यादाओं को भूलकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पूर्व मंत्री व सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यहीन व झूठा प्रचार कर रहे हैं। जिला सोलन के कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने मीडिया से बात के दौरान कहा कि धनीराम शांडिल पर आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक गुमशुदा है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खंडन करती है और भारतीय जनता पार्टी सोलन के इन कार्यकर्ताओं को सलाह देती है कि अपनी जानकारी दुरुस्त करें और तथ्यहीन आरोपों के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की विफल कोशिश न करें। मुकेश शर्मा ने कहा कि सोलन निर्वाचन क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने अपना निर्णायक मत देकर पूर्व मंत्री को विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करवाई है और वो विधानसभा सत्र में सोलन निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को प्राथमिकता से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सोलन निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व मंत्री ने अथाह विकास करवाया है और लगभग 462 करोड़ विकास पर खर्च किए हैं, जिसकी वजह से सोलन में कांग्रेस ने विजय हासिल की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के छुटपिए कार्यकर्ता जिस तरह से पूर्व मंत्री और वर्तमान में सोलन निर्वाचन क्षेत्र से हमारे विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल पर गुमशुदा होने का आरोप लगा रहे हैं, उसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खंडन करती है। आजकल सभी को ज्ञात है कि हिमाचल में विधानसभा सत्र चल रहा है और पूर्व मंत्री पूरी तरह से सोलन की लोगों से मिलकर उनकी प्राथमिकताओं को वहाँ पर पूरी तरह से उठा रहे हैं। ये बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपनी पार्टी में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए इतने बड़े कद के नेता पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे कोई बच्चा गुम हो गया है, जिसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। उनके कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में 462 करोड़ की योजनाएँ सोलन निर्वाचन क्षेत्र में जो उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य करवाए, उसी की बदौलत वो आज जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।